जनपद संभल की चंदोसी में उन्नाव की बेटी के गुनाहगारों को फांसी की सजा की मांग करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्नाव में दुष्कर्म के बाद जलाने वाली बेटी की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत के बाद यूपी में सपा के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जनपद संभल की चंदोसी के फवारा चौक पर एकत्रित होकर सपा कार्यकर्ताओं ने उन्नाव की बेटी के गुनाहगारों को फांसी की सजा की मांग की है। इस मामले में सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा है कि जिस तरह से हैदराबाद की बेटी के अपराधियों को सजा देकर के उस बेटी को न्याय दिया गया है, उसी तरह से इस बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हम ये देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि इन्होंने हमारे पूरे देश को, प्रदेश को जाति धर्म में बांटा, हम लोग नहीं बट पाए। आज इन्होंने अपनी तरफ से ऐसे गुंडे बलात्कारी छोड़ रखे हैं, जैसे कि आज की तारीख में सांड घूम रहे हैं, सांडों की सरकार चल रही है, तो वो सांड हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। मैं यही कहने चाहूँगा कि इन सांडों को भगाने का काम करेंगे हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। अब ये बहुत कुछ हो गया है, देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रेल बस सब कुछ जाम करने का काम करेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। चौक पर बैठे हैं और उन्नाव की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? पूरे प्रदेश में जंगल राज है और इस कदर बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्नाव की बेटी को जिंदा जला दिया गया और आज भी उसके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। हमारी यही मांग है, आज तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये मांग करते हुए आज शोक भी हम व्यक्त कर रहे हैं, उस बेटी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और ये प्रदेश सरकार पर नालत भी देते हैं कि उसके हत्यारे आज भी जिंदा हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जैसे कि तेलंगाना में घटना हुई और जो भी उसके हत्यारे थे उनको ये सजा दी गई, वो केवल गरीब थे इसलिए सजा दे दी गई तुरंत, और यहाँ धनाढ्य परिवार के सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं वो केवल इसलिए सजा नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो यह तेलंगाना में दी वैसी सजा उत्तर प्रदेश में दे करके ये संदेश दें कि उत्तर प्रदेश की बहू बेटी बहन बेटी सुरक्षित हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अगर ये सही नहीं हुई व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सड़क गर्म करने का काम करेंगे और इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। फब्बारा चौक पर बैठकर उन्नाव की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो हम लोग बैठे हैं फब्बारा चौक पर, हम कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को फब्बारा हर चौक पर बैठना पड़ेगा। इतनी भ्रष्ट सरकार चल रही है, इतने उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं और ये बहन बेटियों की इज्जत की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे और आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। घर से निकलने में बहन बेटियां अब इतनी घबरा रही हैं कि निकलने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रही। बताओ, हर बेटी के साथ बलात्कारी और बलात्कार हो रहे हैं और ये लोग जो हैं बलात्कारियों को सजा देखिए आप, हैदराबाद जो अभी एनकाउंटर हुए हैं चार, इस तरीके से अगर करना है तो गरीब के साथ एनकाउंटर थोड़ी ना होंगे। जो अगर बलात्कारी है तो सबको समान सजा होनी चाहिए और मैं न्यायालय से भी कहूँगा कि इस तरीके के जो मुकदमे हैं उनमें जल्दी से जल्दी पेंडिंग ना रखे, फटाफट से मुकदमे को तय करके उन्हें फांसी देने का काम करें। आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहेंगे कि उन्नाव के अंदर जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो सरकार का संरक्षण प्राप्त कर रहे वाले ये गुंडे हैं, ये एक हादसा नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश थी उसको मारने की। और उसको, उसकी बेटी को जब हम देखते हैं कि उसको न्याय मांगने जा रही थी, उसको न्याय तो नहीं मिला, रोज़ उसके घर पे जाके डराया धमकाया गया, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पूरा उन्नाव का प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, मुख्यमंत्री योगी मूक दर्शक बने रहे, सब कुछ जानते हुए मूक दर्शक बने रहे, उसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। उस बेटी को भरे बाजार में बीच चौराहे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और 1 किलोमीटर तक वो लड़की भागती रही, मोबाइल हाथ में लेकर, यहाँ तक कि वो थाने के अंदर घुस गई और उसके बाद भी उस लड़की को न्याय नहीं मिला। और उस लड़की ने कल परसों अपना दम तोड़ दिया, इस उम्मीद के साथ वो लड़की जीना चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी के मुँह पर कालोज पोतने का काम है, जो नरेंद्र मोदी घूम घूम के हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जब तक वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, समाजवादी पार्टी उन्नाव की बेटी के लिए नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए इसी तरह न्याय मांगती रहेगी और सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करती रहेगी जब तक हिंदुस्तान की एक एक बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा।